Assalamu alaikum and welcome to the show jiska naam hai Karoron mein Khel aur main hoon Maria Wasti. Wo kehte hain na ki paisa phenk tamasha dekh. I think duniya mein zyadatar yahi hota hai, jiske paas paisa hai wo har cheez khareed bhi sakta hai aur har kisam ka tamasha dekh bhi sakta hai aur bana bhi sakta hai. But the different thing about this show is ki yahan pe aap thodi si zehanat se wo sara paisa jeet bhi sakte hain. Thodi si zehanat chahiye, thodi si common sense chahiye, thode se zara agar aap हवास पे अपने काबू रखें और थोड़े से रिस्क लेने वाले हों तो इस प्लेटफॉर्म से आप जीत सकते हैं लाखों करोड़ों के इनामात. करना सिर्फ आपको इतना है कि या तो आपने स्क्रैच कार्ड लेना है और स्क्रैच करने के बाद आप कुरानदाजी में शामिल होकर यहाँ हॉट सीट पर पहुँच सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर आसान से किसी सवाल का जवाब देकर भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और आर या पार करने के बाद इफ़ यू गेट टू दिस सीट तो आपका मौका मिल सकता है बहुत सारे इनामात जीतने का. जी तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आर या पार से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. जी आर या पार, पांच कंटेस्टेंट्स मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, इनके सामने स्क्रीन्स भी हैं और जो आपके सामने एक सवाल आएगा उसकी चार ऑप्शंस होंगी. जो सही जवाब देगा और जो सबसे पहले जवाब देगा तो वो यहाँ पे मेरे पास हॉट सीट पर आ जाएगा. आप तैयार हैं सब लोग, लेकिन उससे पहले ज़रा इंट्रोडक्शन हो जाए थोड़ा सा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आई एम सैयद नवीद. जी नवीद. और मैंने कार्ड खरीदा था बोल का. अच्छा, सौ वाला, उसके थ्रू. सौ वाला. जी अच्छा, वेरी गुड. क्या करते हैं आप? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ. मेरे दोस्त का कंस्ट्रक्शन है. अच्छा, तो वो उसमें मैं करता हूँ. जस्ट लाइक स्टेट एजेंसी, सेल परचेज और रिन्यू कराते हैं. हाँ, या कोई पुराना सा मकान लिया उसको बिल्कुल गुलाब बना दिया. अच्छा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी, घर या अपार्टमेंट या कुछ लेने जाते हैं तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या टिप देंगे? डॉक्यूमेंटेशन का होता है. डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले वेरीफाई कराएं, सिविक सेंटर पे वेरिफिकेशन कराएं कि प्रॉपर है, पूरे कागजात कंप्लीट है. या तो एक एक प्लॉट है उनके, दस दस बार बिक जाता है. दस दस बार बिक के भी हो चुका है. आपको पता है सदरे पाकिस्तान साहब का प्लॉट, इस पर कब्जा हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उसके बारे में बिल्कुल सुना है. तो हाँ ये भी है, प्लस ये जो इंक्रोचमेंट की सारी बात हो रही है, लेकिन इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सालों से ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनमें से ऑफिसेज भी हैं और भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें अपार्टमेंट्स हैं. इंक्रोचमेंट की जब बात होती है कि जी हमें वापस कराची को वहाँ लेकर जाना है जहाँ वो पहले था, जो उसका पहला नक्शा था, तो आपको लगता है कि ये काम जो हमने शुरू कर दिया है बिल्डिंग्स गिराने का विदाउट उन लोगों को कोई और जगह दिए वो ठीक है? देखें, वो जो बिल्डिंग वगैरह गिराई है वो सही है, मगर उसकी जगह प्रॉपर पहले उनको कोई जगह दे देते. ये मैं पूछ रही हूँ ना कि इसका क्या प्रोसीजर है, अगर आपके पहले से ये चीज़ें जाहिर है सालों से हुई हुई हैं, अब से तो नहीं हुई हैं, और जिसने खरीदा है तो उस बेचारे को तो नहीं पता होगा अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है या उस स्ट्राटा से बिलोंग नहीं करता तो वो तो फंस जाएगा. बिल्कुल, जैसे अभी अनाउंस हुआ था कि कच्ची आबादी जो हटाएंगे तो उसकी जगह. अब उन बेचारों को क्या पता होगा कि जी लिखत पढ़त क्या कर रही है. अगर हुकूमत ने ऐलान किया कि उसकी जगह उनको प्रॉपर कोई जगह देंगे, उनको खत्म नहीं करेंगे कच्ची आबादी को. अच्छा वही कह रहे हैं, लेकिन वो मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, वन ऑफ द समबडी आई नो, उन्होंने कहा जी आपका ये पता नहीं नीलम कॉलोनी या दिल्ली कॉलोनी के पास है कुछ, तो हम आपको वो शहर से बाहर जगह दे देंगे प्लॉट. अब वो लोग वहाँ बेचारे कैसे जाएं? वो तो जब उसको पता होता है कि मेरा घर टूट रहा है तो वो कहता है कि यार दरख्त की जगह पत्ता मिल रहा है वो तो पकड़ लो, वो भी नहीं मिलेगा. बात ज्यादती है, आई थिंक ज्यादती है. कुछ ज्यादतियाँ आप लोग भी करते हैं ना आम आवाम के साथ. एनी वे जी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. वालेकुम सलाम. मेरा नाम अरशद है और मैं हायर कंपनी में बी डी ओ हूँ. वो क्या होता है? बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर. अच्छा, कैसे है वो? आपका नौयत क्या है काम की? बिजनेस नौयत ये है कि मैं सेल्स का काम है मेरा. अच्छा. सेल्स देखता हूँ, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग. कुछ भी बेच सकते हैं आप? नहीं मैं आप मेरा फ्रिज, एसी एंड उसका वॉशिंग. हाँ, आई मीन टू से कि जो सेल्स पर्सन होता है ना उसके बारे में यही कहा जाता है कि कोई नाकारा चीज़ भी पड़ी हो. हाँ, वो तो वो अगर उसको बेच लेगा तो वो अच्छा सेल्स मैन. तो वो फन जानता हूँ. तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो एक्चुअल प्राइसेस होती है चीज़ों की उनमें और जो मार्केट में आ जाती हैं कुछ ज़्यादा नहीं ले लेते? 4000 का डिफरेंस होता है. अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं होता? हर प्रोडक्ट पे 4000 साढ़े 3000 4000 का डिफरेंस ही होता है. यानी कि वो ज़्यादा नहीं हो जाता? कई दफ़ा कहीं गड़बड़ भी होती है? नहीं, इस तरीके से कोई गड़बड़ नहीं होती. इनवॉइस चल रही है हमारी कंपनी की, इनवॉइस चल रही है और कंपनी के हमने ऑपरेशन के बंदे रखे हैं कि वो हमारे बैकअप पर रहकर वहाँ जाके इनवॉइस चेक करते हैं. चेक करते हैं कि कितने में बिक रहा है? एज अ कस्टमर जाते हैं. अच्छा. जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं गया वहाँ जाके तो छापे मारते रहते हैं. छापे मारते हाँ, रहते हैं. बड़ा तो जरूरी है छापा मारना. कंपनी ने बेसिकली उनसे ओथ लिया हुआ है कि जी आप इतने का, इतने की चीज़ें, इतने कसम तो हम हर चीज़ पे खा लेते हैं. ओथ और कसम तो हम ऐसे ही खा लेते हैं. तो हमारा कंपटीशन चल रहा है ना. ये दोनों लड़कियां यहाँ पे बैठ के बस कसमें खाती रहती हैं.
तो कसम और ओथ तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. Anyway, आप स्क्रैच कार्ड के थ्रू आए हमारे पास. जी बिल्कुल. ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू गेट टू द हॉट सीट. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम रिदा है. जी रिदा. और मैं हाउसवाइफ हूँ. अच्छा, और यहाँ पे कैसे आए हैं? स्क्रैच कार्ड के थ्रू. स्क्रैच कार्ड के थ्रू. तो आपको क्या लगता है, आपने फॉर्मेट देखा है, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, कुछ आसान होते हैं, जो आते हैं वो आसान लगते हैं, जो मुश्किल जो नहीं आते वो मुश्किल लगते हैं. तो आपको क्या लगता है कि आप संभाल पाएंगी अपने आप को? इंशाल्लाह कोशिश. कॉन्फिडेंट हैं आप? जी बिल्कुल. अच्छा, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरी शॉप है अबाया की, लेडीज अबाया. अच्छा जी, आपने अपनी शॉप को बेहतर तरीके से प्रमोट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? लाइक एडवर्टाइजिंग करते हैं उसकी, या क्या, आई मीन आपका क्या तरीका होता है अपनी अबाया की? तो और भी शॉप्स होंगी, बट आपकी शॉप पे बंदा क्यों आए? बस यही है कि हम ज़्यादा वैरायटीज़ वगैरह देखते हैं मार्केट्स में, जो न्यू आई हुई हो उसको रखने की कोशिश करते हैं. खुद ही बनाते हैं, डिफरेंट जगहों से उठाते हैं? जी जी जी, परचेज़ करते हैं मार्केट्स वगैरह से. बाकी अगर कारखाने की प्रोडक्ट्स वगैरह समझ आती है तो वो परचेज़ करते हैं. ओके, थैंक यू जी. लेट्स सी इफ यू कैन गेट हियर टू द हॉट सीट. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाम मोहम्मद वकास मलिक है मेरा. जी, आपको क्या लगता है आपकी जनरल नॉलेज कैसी है? बस बेहतर है, अच्छी है. ठीक है, चले देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज आपको कहाँ तक लेकर आती है. स्क्रीन्स आपके सामने हैं, इस पे एक सवाल आएगा, उसकी होंगी चार ऑप्शंस आपके सामने, उसमें से आपको एक पिक करनी होगी. 30 सेकंड्स होंगे आपके पास. सबसे पहले जो जवाब देगा और सही जवाब देगा वो विनर होगा और वो आएगा यहाँ पर हॉट सीट पर. आप तैयार हैं? रेडी है जी. आर या पार के लिए सवाल आपकी स्क्रीन्स पर आएगा अब. Arrange these lines of a lullaby in the correct order. Lullaby, आपको पता है जो बच्चों को लोरी सुनाते हैं वो होती है. इसकी जो जो lines हैं या lyrics हैं या जो भी इसमें wording है वो आपने उसको correct order में करना है. 30 seconds होंगे आपके पास और options आपके सामने आएंगी अब. ए दूध की कटोरी, बी मुन्नी करे तमाशा, सी दूध में बताशा, डी लला लला लोरी. इसको आपने सही ऑर्डर में करना है. 15 सेकंड्स लेफ्ट, 10 सेकंड्स टू गो. एंड योर टाइम इज अप. जी, और तीन लोगों ने सही जवाब दिया है, दो लोगों ने गलत जवाब दिया है. मुझे तो लगता था ये बहुत इजी है, सबको ये ये जो है लोरी ये सबने सुनी होगी. लेकिन जिसने सही जवाब दिया है और सबसे पहले जवाब दिया है वो है अशद अहमद खान. 3.9 सेकंड्स में इन्होंने जवाब दिया. आ जाइए. वेलकम टू द हॉट सीट. थैंक यू सो मच. आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आई होप यहाँ से आप कुछ ना कुछ जीत कर ज़रूर जाएँ. इंशाल्लाह. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बता दूँ फॉर्मेट के बारे में. अपनी स्क्रीन पर देखिए, हमारी तीन मंजिलें हैं. गिफ्ट मंजिल है, ऐश मंजिल है, कैश मंजिल है. ये सारे इनाम हैं आपके पास. 5000 कैश से हम शुरू करेंगे, हे की तरफ से है. ज्वेलरी सेट है हमारे पास हैश की तरफ से. ब्रांडेड वॉच है हमारे पास रिबेल की तरफ से. 40-inch LED है हमारे पास आइसटेक की तरफ से. उसके बाद जब हम ऐश मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो अगर आपने पांचवें सवाल का सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के जितने भी ये चीज़ें हैं, 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच, 40-inch LED, ये आप जीत जाएंगे. ठीक. अगर हम उसके बाद छठे सवाल पे जाएं तो सही जवाब पर 150,000 कैश. ओके, ठीक है जी. सातवें सही सवाल पर यू कैन विन 250cc बाइक. आठवें सवाल पर वी हैव अ लग्जरी बेडरूम सेट फॉर यू. नौवें सवाल पे ऐश मंजिल के बाद जी कैश मंजिल है. नौवें सवाल पे उम्रा पैकेज है दो लोगों के लिए. दसवें सवाल पे 30 तोला सोना. ग्यारहवें सवाल पे डायमंड सेट है. बारहवें सवाल पे मर्सिडीज है. तेरहवें सवाल पर अपार्टमेंट है. ये तीन मंजिलें होंगी. इसके साथ आपके पास तीन लाइफ लाइन्स हैं, बंटी और बबली. ये आप अगर कहीं फंसते हैं और आप ये लाइफ लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको मदद कर सकती हैं या उसके ऑपोजिट भी कुछ कर सकते. ठीक है जी. करोड़ों की कॉल है. अगर आप कहीं फंसते हैं किसी सवाल पर और आप किसी को कॉल करना चाहें जो आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है इसमें, आप
ये लाइफ लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि भरोसा करो, आपकी ऑडियंस है वो आपकी मदद कर सकते हैं, वो अब जो जिसको जवाब पता होगा जो भी ऑप्शन, लेकिन एंड पे आपका ही डिसीजन है कि ए बी सी डी में से क्या आपने चूज़ करना है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अगर ज़्यादा प्ले कार्ड जो हैं वो सी के हों या बी के हों तो वही सही जवाब हो, ठीक है ना। आप आवाम को तो जानते हैं हमारी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं क्विट करना चाहते हैं तो आप क्विट कर सकते हैं। जब आप क्विट करेंगे तो उससे पहला जो आपने जीता होगा, जो कुछ पिछले सवाल का जो आपने प्राइस जीता होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया, लॉक करा दिया और गलत जवाब दिया, तो फिर आप यहाँ से खाली हाथ जाएंगे। ओके, तो हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो टीवी वीसीआर ये क्या कहते हैं एसी होते हैं, ये भी देखो अंदर वहाँ पे कंप्लेन कर रही थी कि अभी इसने नया एसी लिया है और उसने काम करना छोड़ दिया, तो ये क्या चक्कर है। पहले जो फ्रिज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में होते थे वो तो जनरेशन चलते थे, लाइक रियली टीवी भी। अब एसी जो है वो एवरी अदर ईयर यू हैव टू बाय अ न्यू वन और प्राइस उसकी इतनी ज़्यादा, ये चक्कर क्या है असल में। पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। नहीं, मेरा मतलब है वो चंद साल भी नहीं चलती। हाँ, तो यही तो इसीलिए तो कंपनी बनाती है ऐसा है कि अनरिपेयरेबल, जल्दी जाएगा तो नया आएगा ना। हाँ, यही ना, जैसे फोन्स हैं और ड्यूरेबिलिटी चीज़ों की ख़त्म हो गई है, मुझे लगता है रिश्तों की भी ख़त्म हो गई है ना, ये दोनों इतना लड़ती रहती हैं आपस में। दोनों बहनें हैं ये? ये पता नहीं चल रहा हमें कि ये बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, ये मुझे कभी कभी लगता है एक दूसरे की नंद है, इनमें से कोई एक भाभी नंद है, फिर मुझे लगता है कि पता नहीं कोई सास बहू का रिश्ता चल रहा है। नहीं, we are friends but like Tom and Jerry. Like ऐसे, हाँ, Tom and Jerry की तरह। Like वो दोस्त जिनके होते हुए दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। एक दूसरे की, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे का जब मौका मिले तो। और दोस्त एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। ऑपोजिट भाभी और नंद होंगी, है ना, लग तो यही रहा है, भाभी और नंद भी हो सकती है। नहीं, ऐसा प्यार तो हमने वहीं पर देखा है। नहीं, ये वो प्यार नहीं होता। अच्छा, फिर क्या होता है? वो लड़ाई झगड़े होते हैं, तेल छिड़क के आग भी लगा सकते हैं। और असली आग भी लगा देती है तेल छिड़क के, तो शुक्र करो तेल और पेट्रोल महंगा हो गया आजकल। अच्छा, ये वैसे बचत हो गई है लोग। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द शो। गिफ्ट मंजिल का पहला सवाल 5000 कैश के लिए आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। वर्ल्ड्स फादर डे कब मनाया जाता है? ए थर्ड संडे ऑफ जून, यानी कि जो तीसरा जून के महीने का तीसरा संडे इतवार होता है उसको। बी सेकेंड मंडे ऑफ मे, दूसरा हफ्ता, यानी कि दूसरा पीर जो आता है मे में। सी सिक्स दिसंबर, डी सितंबर 8। फादर्स डे कब मनाया जाता है? अभी तो हमने मदर्स डे मनाया है ना जी। मनाते हो तुम लोग? बस एक ही दिन, बस अम्मी की बात मानी और अम्मी को हेलो हाय कर लिया? नहीं, अम्मी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मैं हाथ से खुद कार्ड्स बनाती हूँ, अम्मा के लिए खुद ड्रेस स्टिच करती हूँ, खुद खरीदती हूँ उनके लिए। अच्छा, सब चीज़ साल में एक दिन ही तो अम्मी की इतनी खिदमत करती है ना। नहीं, ईद पे भी करती हूँ, ईद पे भी लेके देती हूँ अम्मी को। और वैसे भी अगर शब बारात है, शब मेराज है, कुछ भी इस तरह का ओकेजन हो तो खुद स्टिच करके खुद बना के। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट यू, मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट करती हो? क्या गिफ्ट दिया बताओ ना। जैसे फ्लावर्स और उनके लिए केक कट किया था, उसके अलावा जैसे इन्हें ज्वेलरी पसंद है तो वो दे। और शॉपिंग का बिल? नहीं, वो मैं खुद अपनी पॉकेट से करती हूँ। अच्छा, जितनी ये कंजूस हैं ये तो कभी भी नहीं कर सकती। बहुत पता है, बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकती तुम। पर वो भी तो कहते हैं ना, जितना मैं देख रही थी ऑन द सोशल मीडिया कि जी मदर्स डे क्या होता है, मदर्स डे तो हर डे होता है, तो डू यू अग्री विद दैट, या ऐसा लगता है कि भाई ये डेज मनाने चाहिए? हर दिन माँ का दिन होता है। हर दिन माँ का दिन होता है। किसी ने ये बात कही थी कि शायद पाकिस्तान से बाहर जो दूसरे मुल्कों में लोग रहते हैं वो अपने माँ बाप को ओल्ड होम क्या होता है वहाँ पे भेज देते हैं, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब वो जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, तो उन्होंने ये ट्रेंडी कर दिया कि 11 मई मदर्स डे है तो हम जाएं उनके लिए गिफ्ट्स लेके चले जाएं और उनको खुश कर दें एक दिन के लिए। लेकिन सारा साल ये सिलसिला मेरे ख्याल में जारी रहना चाहिए। एनीवे, जो सवाल की तरफ आते हैं, फादर्स डे कब मनाया जाता है? ए थर्ड संडे ऑफ जून, बी सेकेंड मंडे ऑफ मे, सी दिसंबर 6, डी सितंबर 8। हाँ जी,
आई थिंक ए थर्ड संडे इन जून. अच्छा, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये है ऐसा? आप मनाते हैं? बेसिकली मनाता तो नहीं हूँ, हर दिन बाप का दिन होता है, हर दिन माँ का दिन होता है. तो आप क्यों लगा के थर्ड संडे? मैंने पढ़ा था तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि थर्ड संडे इन जून. आपने पढ़ा है? अच्छा, तो क्या करें, लॉक कर लें या अभी आपने थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में? नहीं, लॉक कर लिया जाए. कर लिया जाए जी, लॉक करें. वर्ल्ड्स फादर डे कब मनाया जाता है? आप जवाब लॉक करा रहे हैं, थर्ड संडे ऑफ जून. लेट्स फाइंड आउट. लॉक करें इसको, देखते हैं कि ये जी, ये लॉक हो गया है. थर्ड संडे ऑफ जून वर्ल्ड्स फादर डे आप कह रहे हैं कि मनाया जाता है. लेट्स फाइंड आउट कि ये येलो लाइट्स ग्रीन होती है कि नहीं. सही जवाब, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब. गुड स्टार्ट. 5000 कैश खेल की तरफ से आप जीत चुके हैं. गिफ्ट मंजिल का दूसरा सवाल है जी, एक ज्वेलरी सेट के लिए हैश की तरफ से. तो ये ज्वेलरी का सेट किसको देंगे आप? ज्वेलरी का सेट तो मैं अपनी माँ को दूँ. मदर को देंगे? वालदे को. अच्छा, ओके, ठीक है. ज्वेलरी सेट के लिए सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब. गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला जो CNG है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने आएंगे अब. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंबाइन नेचुरल गैस, सी है कंफर्टेबल नीथॉन गैस, डी सी नियॉन गैस. एक वक्त CNG सस्ती होती थी, अब तो वो भी बहुत महंगी हो गई. डीजल सस्ता होता था, वो पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया. ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कंबाइंड नेचुरल गैस, सी कंफर्टेबल नीथॉन गैस, डी सी नियॉन गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG. अच्छा, आर यू श्योर अबाउट दिस? ये पता है आपको? जी. इसका मतलब है आप CNG भरवाते रहे हैं? CNG भरवाता था मगर अब कन्वर्ट कर दिए पेट्रोल पे. पेट्रोल पर अब पेट्रोल बेहतर हो गया है. पेट्रोल सस्ता हो गया है, सस्ता कंपैरेटिवली. कंपैरेटिवली पैसे तो बहुत महंगा हो गया है. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आई रिमेम्बर बहुत सस्ता होता था, डीजल कम होता था. एनीवे जी, ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लॉक कर दें. बिल्कुल लॉक कर दें. ठीक है, अच्छा जी, लॉक करें. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सही है गलत है? आई थिंक सही है जवाब, क्योंकि नेचुरल गैस को इतना लो लेवल पे ला दिया जाए कि वो गाड़ी में आप लो लेवल पे कर दें, आप लो लेवल कंप्रेस करके उसको, ताकि आप इतना लो लेवल पे करते हैं तब भी इतनी महंगी है. तब भी इतनी महंगी है. तो क्या आजकल तुम लोग साइकिल चला रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ, साइकिल. साइकिल पे आ गए हो? नहीं, स्कूटी चला रहे हो? साइकिल पे आ. स्कूटी में भी तो कुछ डलता होगा. नहीं, बैटरी वाली है ना. अच्छा, वो बैटरी वाली है. वो बैटरी चार्ज कहाँ से होगी? नहीं, हाँ, बैटरी भी चार्ज करनी चाहिए. देखो ना, दो रोटियों की जगह आप एक रोटी खाया. नहीं तो आपकी बैटरी पेट्रोल से थोड़ी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना. तो वो कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं आती, लाइट भी तो नहीं आती. लाइट नहीं आती, लाइट नहीं भरा कर. ये ज्यादातर फिर मेरे साथ ही स्टूडियो में वक्त गुजारती है ताकि घर ना जाना पड़े, है ना. यहाँ लाइट जो होती है, लाइट होती है. चले जी, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला CNG का फुल फॉर्म क्या है? आपने ए ऑप्शन लॉक करवाया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. लेट्स फाइंड आउट इफ द आंसर इज राइट. Right answer. Good. Jewelry set आपका हुआ. तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक ब्रांडेड वॉच के लिए है, और ये तो मुझे लगता है ब्रांडेड वॉच आप ही रखेंगे, है ना? कोशिश यही करूंगा. कोशिश, अच्छा है. हालात ऐसे कि छीना झपटी हो सकती है. नहीं नहीं, अगर ब्रांडेड वॉच है तो मैं अपने भाई को दूंगा. अच्छा, क्यों? बस उससे मोहब्बत ज्यादा है. अपने से ज्यादा. ओके, ब्रांडेड वॉच के लिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आएगा अब. आसान सवाल आ रहा है. खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम NWFP, उसका फुल फॉर्म क्या था? ए ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सी न्यू वजीरिस्तान फ्रंट प्रोविंस, डी न्यू वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम NWFP, इसका फुल फॉर्म क्या है? बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. अच्छा,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान भी तो हो सकता है. नहीं, वजीरिस्तान प्रोविंस है ना, सूबा है ना, सूबा जो पख्तूनख्वा है. जी अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान थोड़ी हुआ, प्रोविंस एक सूबा हुआ. तो ओके, सो आर यू श्योर अबाउट दिस? एग्जैक्टली श्योर? या बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लॉक करें जी इसको. लेट्स फाइंड आउट कि आपका ये जवाब ठीक है कि नहीं. सही जवाब, ब्रांडेड वॉच आपने जीती है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे गिफ्ट मंजिल के चौथे सवाल की तरफ जो है फॉर 40 इंच LED. इतना प्यार है आपको फैमिली में, ये किसको दें? ये तो मैं अपने नए घर में लगाऊंगा. नए घर में लगाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप नया घर? अच्छा अच्छा जी, 40 इंच LED चौथा सवाल गिफ्ट मंजिल का आइस्टेक की तरफ से ये है और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा. अब इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड में रोशनी के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी फ्लोरीन. ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी नियॉन, डी फ्लोरीन. 40 इंच LED के लिए ये सवाल है. इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड में रोशनी के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? तीन लाइफ लाइन्स आपके पास अभी हैं. मैं लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा जी. कौन सी? ऑडियंस. ऑडियंस की, चलें जी, भरोसा करो ऑडियंस मदद करे भी इनकी. ज्यादातर तो सी का नाम आ रहा है, सी. हाँ, लेकिन देखें ये कुछ भी कह सकते हैं, ये इनकी इन दैट इज व्हाट दे थिंक. इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड में रोशनी के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? जी, नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम, फ्लोरीन. I think C lock कर दिया जाए. Neon. Sure? Yeah, sure. अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा. हाँ, अल्लाह मालिक है. ठीक है, ओके जी, सी लॉक करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड में रोशनी के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं नियॉन, ये हमने लॉक कर लिया है. लेट्स फाइंड आउट कि आपने भरोसा किया है उसका क्या बनता है. लेट्स फाइंड आउट. सही जवाब. अच्छा जी, गिफ्ट मंजिल के चार सवाल, एक लाइफ लाइन आपने यूज कर ली है, चार सवाल. अब इस वक्त आप 40 इंच LED जीत चुके हैं. अब हम चलेंगे ऐश मंजिल की तरफ. पांचवा सवाल है और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के, इस वक्त आपने सिर्फ 40 इंच LED जीता हुआ, लेकिन अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो गिफ्ट मंजिल के सारे ये 5000 कैश, ज्वेलरी सेट, ब्रांडेड वॉच एंड 40 इंच LED, ये सारी चीज़ें आप जीत जाएंगे. ठीक है जी, पांचवा सवाल है ये गिफ्ट मंजिल और सवाल आपके सामने आएगा अब. जानवरों का जब शिकार किया जाता है उनको रिस्टोर करके जब स्टफ़ करते हैं, शोपीस बनाने के आर्ट को क्या कहा जाता है? स्टफ़ करने को, जैसे शिकार पे आपने देखा होगा शेर, चीते, यू नो, जब आप डियर वगैरह मारते हैं तो घरों में स्टफ़ करके लगाते हैं, तो उस चीज़ को कहते क्या है, उस आर्ट को? ऑप्शंस हैं आपकी ए स्टफोलॉजी, बी टैक्सीडर्मी, सी हंटरडर्मी, डी जूलोडर्मी. शिकार जब आप करते हैं जानवर का तो उसको जो स्टफ करते हैं, स्टफ करके जो दीवार पे लगाते हैं, उस चीज को बनाने के आर्ट को क्या कहते हैं? मैं लाइफ लाइन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपके पास दो लाइफ लाइन्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं. शिकार किया है कभी आपने? शिकार हंटिंग के शिकार हुए हैं? मैं शिकार हुआ हूँ. शिकार हुए हैं? किया नहीं है. किसने आपको शिकार किया? बड़े बड़े मगरमच्छों ने. बड़े बड़े मगरमच्छ में. अब देखिए ना, अब ये जंगल है ना, इट्स अ जंगल. जी, धोखा खाया आपने? बहुत खाया, मैंने लाखों का धोखा खाया. सो सॉरी फॉर दैट. सही कह रहे हैं आप,
कि शिकार जो है वो आप खुद ही हो गए, उसके लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, अपनों के हाथ लुटाऊंगा अपने ही शहर में। अच्छा, कौन सी लाइफलाइन ले रहे हैं? करोड़ों की कॉल। कॉल, अच्छा किसको कॉल मिलाएंगे आप? मैं अपने फ्रेंड को कॉल मिलाऊंगा। अच्छा, क्या नाम है उनका? बाबर नाम है। और क्या करते हैं वो और आपके कब से दोस्त हैं? मेरे तो वो दोस्त हैं तकरीबन आई थिंक 3 years बिफोर। अच्छा, और क्या करते हैं? उनका जो काम है वो प्रॉपर्टी का भी काम है और प्लस ये है कि उनकी अपनी शॉप भी है बुक्स की। अच्छा, बुक्स की। बुक्स। तो उनका जो है इंक्लिनेशन, ये झुकाव पढ़ाई की तरफ है, लाइक किताब। हाँ, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उनको इस सवाल का जवाब पता होगा? आई थिंक इंशाल्लाह बता देंगे वो। अच्छा, उम्मीद है। चलिए जी, कॉल मिलाइए, बाबर साहब को कॉल मिलाइए। हेलो। हेलो जी, बाबर साहब बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ मैं जी, बोल के गेम शो से बात कर रही हूँ और करोड़ों में खेल, और आपके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी मदद चाहते हैं क्योंकि वो एक सवाल है और उस पर वो फंस गए। करोड़ों के खेल से मारिया वास्ती बात कर रही हूँ। जी जी, मैं आपको बहुत शौक से देखता हूँ। अच्छा। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी जी, तो आपके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं और वो समझते हैं कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और आपका झुकाव पढ़ाई की तरफ है, तो शायद आप उनकी मदद कर सकें। आप जरा, अच्छा एक मैं बात बता दूं, यू हैव ओनली 60 seconds जिसमें आप उनसे बात करके ये जवाब दे सकते हैं। जी बात कीजिए। बाबर जी, जी जानवर को शिकार करके उनको स्टफ में रिस्टोर करके शो पीस बनाने के आर्ट को क्या कहते हैं? स्टफोलॉजी। शिकार करके जो स्टफ जो करते हैं जी, स्टफ को रिस्टोर करके शोपीस बनाने के आर्ट को क्या कहते हैं? टैक्सीडर्मी कहते हैं, टैक्सीडर्मी कहते हैं उसको। वी? हाँ, मुझे कंफर्म है, मैं बगैर ऑप्शन के बता रहा हूँ, टैक्सीडर्मी कहते हैं, मेरे पास मौजूद भी है। आर यू श्योर? मैं श्योर हूँ। मेरे ख्याल में ए नहीं है स्टफोलॉजी। नहीं, मेरे मुझे पता है, मैं आई एम श्योर, मैं कह रहा हूँ ना मेरे पास है। बाबर 100% श्योर? हाँ, टैक्सीडर्मी है मेरे पास। देख लें, मैं लॉक करवा दूं? ना, 5, 4, 3 टैक्सीडर्मी। जब दोस्त ने कह दिया तो फिर 100% रियली टैक्सीडर्मी। अच्छा, आप जरा देख लें एक दफा। जानवर के शिकार को शिकार करके उनके स्टफ को रिस्टोर करके शोपीस बनाने के आर्ट को। असल में मैंने तो पढ़ा नहीं है लेकिन दोस्त पर मुकम्मल एतमाद है। आप देखें, ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्टफोलॉजी, टैक्सीडर्मी, हंटरडर्मी एंड ज़ूलोडर्मी। बी, टैक्सीडर्मी। अल्लाह मालिक है, देखते हैं। श्योर? श्योर। चलें ठीक है, टैक्सीडर्मी, इसको ज़रा लॉक करते हैं। लॉक कीजिए इसको। जी, ये जवाब लॉक हो गया है, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर देखेंगे ये जवाब ठीक है कि नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल पूछा था कि जानवर को शिकार करके जब उसको स्टफ करते हैं, स्टोर करते हैं, शोपीस जो बनाते हैं, उस आर्ट को क्या कहते हैं, और ऑप्शन सी स्टफोलॉजी, टैक्सीडर्मी, सी हंटरडर्मी एंड डी ज़ूलोडर्मी। अच्छा जी, और आपने जो जवाब जो है आफ्टर करोड़ों की कॉल, जो उनकी लाइफ लाइन है, यूज करने के बाद टैक्सीडर्मी आपने जवाब जो है वो आपने लॉक करवाया है। ऑडियंस में से किसी को पता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बी आंसर इज राइट। बी जी, टैक्सीडर्मी। जी, ये तो कोई टैक्सियों का मुझे मैकेनिक टाइप का काम लग रहा है कि पुरानी टैक्सियों को मेरे ख्याल में वो रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने टाइप की कोई साइंस लग रही है। बी आंसर। आपको कैसे पता है? बस सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये तो इसलिए पता है। तो
तो जानवरों को जो स्टफ करते हैं उसको टैक्सीडर्मी कहते हैं जी। चलें देख लेते हैं कि जब आप ठीक है कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा, देखिए जब आपके सामने स्टफोलॉजी लिखा हुआ है, हंटोडर्मी लिखा है, डी आई डोंट नो, चले शायद जूलोडर्मी तो ना हो, लेकिन अगर आप क्विट करते तो शायद आपको जो गिफ्ट मंजिल के सारे जब हैं चीज़ें वो आपको मिल जाती। और आई डोंट नो, अगर ये सवाल का जवाब गलत हुआ तो आई एम सॉरी, आपको यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का जवाब ठीक हुआ तो वी हैव अ ब्रांडेड वॉच फॉर यू। लेट्स फाइंड आउट जी कि ये जवाब ठीक है कि नहीं। सही जवाब, ठीक है जी। गिफ्ट मंजिल के सारे जो प्राइजेस हैं वो आप इस वक्त जीत चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। दो लाइफ लाइन्स आप यूज कर चुके हैं, एक लाइफ लाइन आपके पास अब रह गई है। और हम बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ जो कि आपको जितवा सकता है 150,000 कैश। ये किसको देंगे आप 150,000? ये मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। खुद करेंगे तो ये तो आप यहाँ पे अगर जीत गए और ये जीत के जा रहे हैं तो वो तो सबको पता है। वो दोस्त कहेगा आपको कि यार मैंने तुम्हें सही जवाब दिया, अम्मा कहेंगी वो ज्वेलरी सेट मेरा था और तुम वहीं पर क्विट कर देते, हाँ। वो नहीं आया तो अब क्या होगा? वो दोस्त तो मुझे लग रहा है घर पहुँचने से पहले मेरे गेट के दरवाजे पे मिलेगा। मुझे यही लग रहा है कि भाई हमारा हिस्सा तो दो, तो फिर क्या करेंगे? बिकॉज देखे ना ये कोई छुपी हुई बात तो होगी नहीं, तो इसके तो मुझे लगता है काफी हिस्से होंगे। मुझे लग रहा है मुझे ही नहीं मिलेगा, बाकी सब ले जाएंगे। हाँ ओके जी, 150,000 कैश के लिए ऐश मंजिल का सवाल है और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। दुनिया के अलावा वो कौन सा सैयारा है जिसके पास ठोस सतह है? ए मार्स, बी जुपिटर, सी सैटर्न, डी प्लूटो। दुनिया के अलावा वो कौन सा सैयारा है जिसके पास ठोस सतह है? A Mars, B Jupiter, C Saturn, D Pluto. A Mars. 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 चॉकलेट वो जो होती है वो नहीं Mars. अच्छा Mars. How do you, आपको पता है ये, आपने खुद पढ़ा हुआ है? Confidence. Confident? Lock कर दें टाइम. बिल्कुल, definitely. Lock करें जी. दुनिया के अलावा वो कौन सा सैयारा है जिसके पास ठोस सतह है? A Mars, B Jupiter, C Saturn and D Pluto. और आप कह रहे हैं Mars. ये लॉक कर दिया है हमने। Let's find out कि सही जवाब है कि नहीं। सही जवाब। How do you like, आप कैसे पढ़ाई, आपने कहाँ पढ़ाई, क्या पढ़ाई इसके बारे में? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? Mars, वो Jupiter, हाँ सारे याद हैं। तो ये तो हमें Jupiter, Mars, Uranus, Pluto, सेवन, हाँ बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, तो तब से आपको ये याद है? बिल्कुल याद। अच्छा, इसका मतलब है नेक्स्ट जब यहाँ पे जरा हालात खराब हो जाएंगे तो फिर मार्स की तरफ लगता है कि हमारा सफर शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑलरेडी ये बातें हो रही हैं, हम तो अभी उससे नहीं निकले हैं, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम से नहीं निकले हैं, बट दुनिया तो आगे बहुत बहुत कुछ हो रहा है और बहुत आगे जाने का सोच रही है। एनीवे जी, जवाब आपका बिल्कुल ठीक है, 150,000 कैश आप जीत चुके हैं। हम सातवें सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 250cc बाइक के लिए। ये किसको देंगे आप 250cc बाइक? ये मैं अपने भाई को दूंगा। अच्छा, ब्रांडेड वॉच में भाई के लिए थी वो, उससे बात आगे निकल गई, तो अब 250cc बाइक भी आप उन्हीं को देंगे? वो 125 लेने के चाह रहा था तो मैंने बोला मैं उसको 250 दे देता हूँ। तो मैंने बोला कि ये अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये 250। और वैसे भी अगर अपने पास रखी तो हो सकता है वो चली ही जाए उसके पास, वो ले ही जाए। तो घर में कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग माशाल्लाह 5 बहन भाई। 5, आपका क्या नंबर है? मेरा फर्स्ट। वो लग रहा था जितना ईसार और जितनी कुर्बानी जो है वो तो सब कुछ भाई के लिए कर रहे थे आप ये, और बाकी बहन भाई नहीं है? बाकी बहन भाई हैं, बहन की तो एक की शादी हो गई है। अच्छा, वो मैरिड है, और बाकी जो दो बहनें हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है? नहीं, अंडर प्रोसेस है, वो तो अभी ठेकेदारी वाली लैंग्वेज हो गई ना। ओके जी, तो अगर कोई मसला हो घर के अंदर तो आपकी साइड सबसे ज़्यादा कौन लेता है? मेरी साइड जो थी मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी वालदा हमेशा मेरी साइड लेती थी। अच्छा, लेकिन जब से मेरे फादर की डेथ हुई है उसके बाद
अब उनकी जो साइड वो मेरी तरफ नहीं होती। अच्छा, वो किसकी? वो छोटे भाई की तरफ होती है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ये पता नहीं क्या लॉजिक है, ये क्या बात। पहले सबसे ज्यादा मैं पिटता था घर में और मेरी वालदा मुझे बचाती थी, और अब जो है वो अगर मैं छोटे भाई को डांट रहा हूँ तो वो कहती है उसको तनकीद ना करो, उसको ना कहो, उसको ना बोलो। भाई जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई है वैसे मैं उनकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। बस ये देखो, ये मदर्स भी जो होती है उनका कोई ना कोई एक फेवरेट जरूर होता है, होता है बेशक। अच्छा जी, सातवां सवाल है 250cc बाइक के लिए और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब वो कौन सा मुल्क है जहां सियाही मकामात पर हाई हील्स पहनना मना है? ओ अच्छा, ए इजिप्ट, बी ग्रीस, सी जापान, डी फ्रांस। वो कौन सा मुल्क है जहां जब आप सियाहत के लिए जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उसके जो डिफरेंट सियाही मकामात है उस पर हाई हील्स पहनना मना है? ये तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। वैसे तो यूजुअली पीपल डोंट वेयर, यानी कि आप इस तरह जब निकलते हैं तो आप ज़्यादातर फ्लैट्स में हो। सियाहों पर हाई हील्स पहनना मना है? उस जितने भी वहाँ पर मकामात हैं उधर हाई हील्स पहनना मना है। ए इजिप्ट, बी ग्रीस, सी जापान, डी फ्रांस। ये तो मुझे भी नहीं पता। आप पढ़ के आती हैं? ख़वातीन जो है ना वो तो, हाँ आप पढ़ के आती ना? पर नहीं, एक हर चीज़ तो नहीं पता होती ना, और कुछ पता भी हो तो फिर मैं नहीं बताती, पर क्योंकि ख़वातीन तो दुनिया की किसी भी जगह पे हील पहन लेती है ना। तुम लोग तो हील्स के बगैर तो गुजारा नहीं है। ख़वातीन तो यू नो मुश्किल से मुश्किल सारी रात तबाह हो रही हो, चाहे यू नो शादियों पे जब जाना है तैयार होना है पूरा। सर्दियों में ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि बंदा देख के यू नो कांप जाए, है ना? हम करते हो ना ऐसे, ड्रेस ही आपका तब कंप्लीट, ड्रेस मेरा पूरा नजर आ जाए, सर्दी से जाए मैं मर जाऊं, है ना? हील पूरी पहननी है, 8 घंटे वो हील पे पहन के खड़े रहना है, चाहे उसके बाद पांव सूज जाए। क्यों करते हो ऐसे? आप प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, लोग आपको देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, इसी वजह से। और कुछ हाइट होती है मतलब जिनकी कम होती है, हम लंबी लगे और ये वो सबके बराबर। अच्छा, तो ओके, तो तुम लोग शॉपिंग कहाँ से करते हो और कब करते हो, क्या करते हो? शॉपिंग के बारे में, हाँ शॉपिंग से ना ध्यान से करना, शॉपिंग के बारे में प्लान कर रहे थे हम लोग शॉपिंग पे जाने के बारे में। ध्यान से करना, मैंने क्या किया? अरे तुम देखो, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल रात चलते हुए, और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ ये तो है, स्नैचिंग तो हो रही है, तो लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ अपनी चीज़ों का। तो अगर कुछ कोई लेके भाग जाए फिर क्या करोगी? फिर शुरू तो लेके भाग जाए उसके पीछे भागूंगी। कैसे भागोगी, मतलब क्या खाली हाथ भागोगी? कुछ लेके जाना ताकि वो अगर अटैक करें तो अपने आप को बचा सको। तो जो पास में होगा ले लूंगी ना, अगर सेब वाला हुआ केले वाला वो लेके भाग जाऊंगी। दुबई में खास तौर पे आई हैव सीन वुमेन वेयरिंग बोल्ड इतनी इतनी हील्स, और मुझे नहीं समझ आती मॉल में आप शॉपिंग कर रहे हैं और फुल ड्रेस्ड अप एंड इतनी लंबी हील्स। आई डोंट नो हाउ। मेकअप तो ये भी करके जाती हैं बहुत सारा। अच्छा, तो मुझे देखती रहती हो ना, हर वक्त मुझ पे नजर रखती तो कैसे कोई काम ही नहीं है। कैसे नहीं रखूं, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मेरी जान नहीं छोड़ती, कॉपी करती है कि जो बबली करे वही पेंटिंग करे। तो लोगों के तो बहुत पर्सनल मसले हैं भाई, हमारा सवाल बीच में रह गया। अच्छा जी, वो कौन सा मुल्क है जहाँ सियाही मकामात पर हाई हील्स पहनना और इन लोगों का जाना ममनू है? मेरे ख्याल में कुछ मुबालिक इनको वीजा देने से भी इनकार कर देंगे कि ये दो औरतें ना आए हमारे। ये एलियंस हैं क्या फिर? एलियंस हैं ये, पता नहीं कि कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं और इनका मसला क्या है। अच्छा जी, ऑप्शन से है इजिप्ट, ग्रीस, जापान, फ्रांस। मैं इसमें लाइफ लाइन लेना चाहूंगा, और अल्लाह खैर करे आपकी, इन्हीं की है बंटी एंड बबली, और ये जरा मुझे डर ही लग रहा है आपके लिए, जरा ध्यान से अल्लाह रहम करे। अच्छा जी, चले जी हेल्प करें आप अपनी लड़ाई बंद करके। बंटी इज सेइंग बी एंड सी, बंटी इज सेइंग ये ग्रीस या जापान में से एक मुल्क है, और ए एंड डी, बबली सेइंग के इजिप्ट और फ्रांस में से एक मुल्क है। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो वैसे भी इमारात का कोई एहतराम नहीं करता, हर जगह पे अपने नाम लिखे होते हैं, पेंट्स कर देते हैं, अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स लगा देते हैं, तो पाकिस्तान में तो कभी भी कोई इन इमारतों का, तारीखी इमारतों का ख्याल नहीं करता, तो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क ही करेंगे। सो वो अपनी तोड़फोड़ का और सफाई का ख्याल रखेंगे। ये बात कितनी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, लेकिन फिर भी हमें जवाब अभी तक नहीं पता है। आप जरा उनको जरा सोचने दें, वो और कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई
ये तो दोनों पे एतबार नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, वो कौन सा मुल्क है जहाँ सियाही मकामात पर हाई हील्स पहनना मना है? इजिप्ट, ग्रीस, जापान, फ्रांस। बंटी सिंह सी एंड बी, वो है जी ग्रीस एंड जापान, और बबली सिंह ए एंड डी, इजिप्ट एंड फ्रांस। मेरे ख्याल में ए। ए यानी कि बबली, बबली के साथ। इसमें से आप कह रहे हैं कि जवाब ठीक है? आई थिंक सी, बी। ये तो आई एम नॉट श्योर, ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अब तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं दोबारा सवाल देख रही हूँ कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया। अच्छा जी, ए डी सी बी जी, बताइए आप बंटी और बबली में से किसको चूज, यानी कि उनके आंसर्स चूज करेंगे? वो कौन सा मुल्क है जहाँ सियाही मकामात पर हाई हील्स पहनना मना है? ग्रीस, बी। बी, सी और बी लॉक करें या ए और डी लॉक करें, जरा देख लें। बी करें। बी यानी के बंटी। डेफिनेटली। अच्छा लॉक करें जी, लॉक कर दें जी, बिल्कुल लॉक। बंटी को भी कर दें। इसको भी लॉक कर दें प्लीज, कर दें, मेरे रमजान अच्छे गुजरेंगे। तुम तो पहले भी समझी थी कि वो शैतान ऑलरेडी लॉक इसको किया था, लेकिन फिर भी अफ्तारी के बाद रोज खुल जाता है शैतान। हाँ, उसे अफ्तारी करने आता है। हाँ ये भी है। अच्छा जी, और बंटी है सेड बी एंड सी, हमने ये लॉक किया है। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे ये सवाल का जवाब ठीक है कि नहीं। स्टे विद अस। पे जाने से पहले यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन थी कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ जब आप सियाहत के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सियाही मकामात पर हाई हील्स पहनना मना है, और हमारे पास ऑप्शंस हैं इजिप्ट, ग्रीस, जापान, फ्रांस। और बंटी और बबली लाइफलाइन आपने इस्तेमाल की है, और आपने बंटी के जवाब के साथ आप जा रहे हैं बी, ग्रीस एंड जापान में से आपको लगता है। वाई ग्रीस, वाई नॉट? आपने इजिप्ट पहले कहा, इजिप्ट में तो आपको पता है यू नो बहुत ज़्यादा ऐसे मकामात हैं वहाँ पे, ममीज़ हैं वहाँ पे, आपको पता है कि यू नो बिल्कुल नोन टू बी। लेकिन ग्रीस में भी इसी तरह के मकामात हैं, बिल्कुल हैं, जहाँ पे हील्स पहनने मना है। अच्छा ठीक है जी, ग्रीस एंड जापान बी एंड सी हमने लॉक किया है। लेट्स फाइंड आउट कि जवाब ठीक है। सही जवाब ग्रीस। हील्स इसलिए वहाँ पे पहनना मना है क्योंकि ये क्योंकि बहुत पुरानी जगह है और वहाँ पे तोड़ फोड़ हो सकती है। एनीवे जी, सातवें सवाल पे 250cc बाइक आप जीत चुके हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जी ऐश मंजिल का अगला जो सवाल है वो आपको एक लग्जरी बेडरूम सेट जितवाएगा। ये तो मेरे ख्याल में आप नए घर में किसका बेडरूम होगा? ये बहन तो नहीं कहेगी कि भाई अब बहन की बारी, हर चीज भाई के लिए है ना, आप ऑब्वियसली बहन की बारी है ना। वो बेडरूम सेट है, कोई उसमें से बेड ले ले, हाँ, कोई ड्रेसिंग टेबल ले ले, कोई ड्रेसिंग टेबल ले ले, तो वो भी बट जाएगा सब कुछ है ना। बस ये बड़े भाई होने का, बड़े बहन भाइयों का यही मसला होता है। ओके जी, लग्जरी बेडरूम सेट के लिए आपकी स्क्रीन पर सवाल आएगा अब। मोनालिसा के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर पेंटिंग है। लियोनार्डो ने अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, उसके जो होंठ को पेंट कर रहा था, कितने साल में बनाए? ए 10 इयर्स, बी 4 इयर्स, सी 3 इयर्स, डी 20 इयर्स। लियोनार्डो डा विंची ने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के होंठ कितने साल में बनाए? मोनालिसा ने बोटॉक्स कराया हुआ था,
जितना टाइम लगा है, 10 साल, 4 साल, 3 साल, 20 साल। ये क्या था? मुझे पता चला है कि तुम लोग भी जाती हो फिलर्स बोटॉक्स कराने के लिए। हाँ नहीं, अभी नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि आप 10 ईयर्स, आप बहुत ज्यादा अभी जवान और खूबसूरत हैं तो आपको जरूरत नहीं, डॉक्टर ने कहा अभी आप 10 ईयर्स के बाद आइएगा फिर आप बोटॉक्स। तुमने अभी से अपॉइंटमेंट 10 साल बाद की ले भी ली होगी ना, है ना? क्योंकि मुझे खूबसूरत लगना हमेशा, क्यों कराते खूबसूरत लगने के लिए? तो तुम तो वैसे बहुत खूबसूरत हो, और क्या, और क्या चाहे, क्या तुम गजब ढाना चाहती हो, और क्या मसला जब है तुम्हारा? आप एजेड हो जाते हो तब होती हैं सब चीजें, बोटॉक्स फिलर्स। अल्लाह अल्लाह करो बस, क्या अल्लाह करो, ऐसा लग रहा है बुड्ढे हो गए कि अल्लाह अल्लाह करो, ये कोई तुम्हें क्यों, मुझे लग रहा है टीवी पे जो दिखाते हैं ना वो चल रहा है। हाँ। घर पुराना हो जाए, खराब होने लगे, उसको करवाते हैं ना, घर की बात अलग। अच्छा चले जी, ऑलराइट जी, हम जरा वापस सवाल पर आते हैं क्योंकि ये तो बात कहीं और से कहीं और निकल गई। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के होंठ कितने साल में पेंट किए थे, कितने साल में बनाए थे? ए 10 साल, बी 4 साल, सी 3 साल, डी 20 साल। अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, अगर आप अभी क्विट करते हैं तो 250cc बाइक आप जीत चुके हैं इस वक्त, वो आपको मिल सकती है। गलत जवाब पर आप यहां से खाली हाथ जाएंगे। जी लाइफलाइन भी कोई नहीं बची, लाइफलाइन भी आपके पास कोई नहीं है। ऑप्शन आपके पास या है ऑफ गिविंग द आंसर, जो कि गलत या सही हो सकता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास है टू क्विट, अगर आप क्विट करते हैं तो 250cc बाइक आप जीत चुके हैं। गलत जवाब पर खाली हाथ। मैं क्विट करना चाहूँ। श्योर? इसके, इससे आगे कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, ये आपको बिल्कुल नहीं पता, इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता, तो आप क्विट करना चाहते हैं? सोच लीजिए। मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करना चाहते हैं आप? ओके जी, आप यहाँ पे क्विट कर रहे हैं, 250cc बाइक आप जीत चुके हैं। ओके, दिस गेम इज ओवर। लेकिन अगर आपको हम अब ऑप्शन दें कि आप कोई ऑप्शन लेते इसमें से जवाब की, तो क्या लेते, देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन लेते हैं आप? बी 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 लॉक करें जी। लेट्स फाइंड आउट कि अगर ये खेलते और ऑप्शन जो है बी लेते तो इनका जवाब ठीक होता कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। सही जवाब होता आपका, सही जवाब होता, हार गए, सही जवाब होता। एनीवे जी, एनीवे यू वन 250cc बाइक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप, क्योंकि तुक्का भी जब आप नकल भी करते हैं उसके लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो हर काम में होती है, एंड यू वुड हैव वन इट। एनीवे जी, हम अपने एपिसोड के एंड की तरफ आ रहे हैं और एंड पे हम, जाहिर है जिन लोगों ने यहाँ स्क्रैच कार्ड्स खरीदे हैं उसके लिए हम एक कुरानदाजी करते हैं, एक व्हील स्पिन होता है और जो विनिंग नंबर होता है उसको हम देते हैं ब्रांड न्यू मोटर बाइक। आर यू रेडी जी? अपने स्क्रैच कार्ड्स निकाल लीजिए, व्हील स्पिन करेगा अब। 1, 2, 3 स्टॉप। The winning number is A1205110535. Number main repeat kar rahi hu, A1205110535. Aapka hai, aa jaiye. Kya naam hai aapka? Ji, Ashfaq Hussain naam hai mera. Acha ji, kitne ka aapne ye khareeda hai? Ye maine 100 ka liya tha. 500 ka? 500 ka ji. 500 का है ना, है ना? अभी से आप 100 और 500 के अंदर कंफ्यूज कर गए, ठीक है 500 भी अब
100 टाइप का ही हो गया है. अच्छा जी, 500 का कार्ड, स्क्रैच कार्ड इन्होंने लिया है एंड ही इज वन अ ब्रांड न्यू बाइक. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. वर यू एक्सपेक्टिंग जब आप यहाँ आए थे कि ऐसे ही स्क्रैच कार्ड से ये निकल आएगा? बोल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने ये प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो इस तरह के स्क्रैच कार्ड ले रहे हैं तो उसको यानी कि अवेल कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं कुछ ना कुछ दे रहा है. हाँ, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपके पास बाइक ऑलरेडी है ये? जी हाँ, एक है, लेकिन आप तो नहीं हमारे कंटेस्टेंट की तरह अपने भाई को दे देंगे? नहीं, वो मैं खुद चलाऊंगा. ओके, बाइक काफ़ी ख़राब हो. ऑल राइट जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको. जी, एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ आर एपिसोड. आपने देखा आज हमारे कंटेस्टेंट ने बहुत अच्छा खेला और बहुत कॉन्फिडेंटली खेला. बहुत सारे सवालों के जवाब उनको पता थे, दैट इज़ तुक्के ज़रा उन्होंने कम मारे, लेकिन आखिरी तुक्का भी जो था अगर वो खेल जाते तो वो भी ठीक था. बट anyway, उन्होंने डिसाइड किया क्विट करने का, विच इज़ ऑल्सो ऑल राइट. 250cc बाइक उन्होंने जीती है. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. और इसके साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म होता है. मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफ़िज़. अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए.